Welcome to Splendid Moms. Subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos. G, boxes mein likh. Which one you want to write? Standing line. लिखो स्टैंडिंग लाइन. हाँ पिंक कलर चाहिए. हाँ ओके. इसको इसको ब्लू करना, इसको पिंक करना, इसको ब्लू करना, इसको पिंक. हाँ विच एवर कलर. हाँ हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स. आज हम इस वीडियो में देखेंगे हम छोटे बच्चों को एबीसीडी लिखना कैसे सिखा सकते हैं. एबीसीडी प्रैक्टिस करवाने के लिए, रिवीजन करवाने के लिए बहुत सारी वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगी, बट एक्चुअल चैलेंजिंग काम होता है बच्चों को एबीसीडी लिखना सिखाना फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द स्क्रैच. सो ए टू जेड कैसे सिखाना है इस वीडियो में हम देखेंगे. मुझे भी दिन में तारे नजर आ रहे हैं क्योंकि मैं भी अपनी बेटी को इन दिनों एबीसीडी लिखना सिखा रही हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने आज लेटर के सीखा है. तो कैसे मैं उसको राजी कर रही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि बच्चे राजी नहीं होते लिखने के लिए, वो रेडी नहीं होते, हमेशा मना करते हैं. वो ओरली पढ़ते हैं, गेम्स खेलते हैं एबीसीडी रिकॉग्नाइज करने के लिए, बट लिखने की जब बारी आती है तो मेरी बेटी तो अक्सर बहुत मना करती है. शी इज 3.5 ईयर्स नाउ और ऑन डेली बेसिस मैं उसको लेटर सिखा रही हूँ. इस वीडियो के थ्रू मैं झूठा वादा नहीं करूंगी कि आप 30 दिनों में या 25 दिनों में उनको एबीसीडी सारे सिखा देंगे. स्लोली स्टेडीली आपको जाना है. मैं अपनी बेटी को भी स्लोली एंड स्टेडीली सिखा रही हूँ. कभी किसी दिन वो लेटर नहीं लिखती है तो इट्स ओके, मैं स्किप करती हूँ, अगले दिन उसको नेक्स्ट लेटर सिखाती हूँ. तो आइए देखते हैं स्टेप वाइज कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे उनको रेडी करना है कि वो लिखने के लिए रेडी हो और वो अच्छा तरह लिखना सीखे. सो जैसे मैंने कहा, ये मेरी बेटी की बुक है, उसने के लिखना सीखा है आज. सो लास्ट 15-18 डेज से हम प्रिपेयर कर रहे हैं. डेली ऑन डेली बेसिस मैं उसको लिखना सिखाती हूँ. कभी कभी वो नहीं लिखती और जैसे आप देख रहे हैं वो पूरा पेज तो कभी नहीं लिखती, वो दो लाइन लिखती है, ब्रेक लेती है, तीन लाइन लिखती है, बट ये लिखने के लिए भी मुझे उसको मनाना पड़ता है. सबसे पहले मैं क्या करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. क्योंकि हम कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स दोनों एक साथ सिखा रहे हैं और स्मॉल लेटर जो है बहुत कर्वी होते हैं. जब अगर आप बच्चे को यहाँ पे लिख के देंगे सी, जैसे कि यहाँ पे जी है, या सपोज आप उनको लेटर जी लिखना सिखा रहे हैं, अगर आप नोटबुक में या उनकी जो ट्रेसिंग बुक है उसमें भी अगर इस तरह छोटा साइज का लिखने के लिए कहेंगे ना तो वो नहीं लिख पाएंगे. बिलीव भी नहीं लिख पाएंगे वो, क्योंकि कर्वी बहुत होते हैं लेटर्स और उनको समझाना होता है. तो सबसे पहले स्टेप वन आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी बुक में उनको बड़े फॉन्ट में लेटर ट्रेस करने के लिए देना है. साइज शुड बी बिग. इससे उनको समझ आता है कि लेटर कैसे फॉर्म होता है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ एंड करना है. जब वो लिख रहे हैं आप उनको समझाइए कि ऐसे स्टार्ट करना है, इस तरह से सर्कल बनानी है, स्टैंडिंग लाइन, देन गिव अ लेफ्ट स्विंग. तो इस तरह से आप पहले लेटर फॉर्मेशन उनको समझाएंगे थ्रू बिग साइज ट्रेसिंग बिग फॉन्ट में. उसके बाद थोड़ा रफ स्पेस दीजिए जैसे मैं देती हूँ. यहाँ पे वो चाहे स्क्रिबल करे, चाहे तो वो आपको वही लेटर को दोबारा कॉपी करके लिख के आपको बता दे. यहाँ पे उसने लिखा है कुछ लेटर्स, देन जी, यहाँ पे स्मॉल जी उसने कॉपी की है. तो इस तरह से ये है स्टेप वन. डेली मॉर्निंग नाश्ते के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद ये स्टेप पहला होता है जहां पे मैं जब उसको लेटर सिखाना चाहती हूँ तो इस तरह से पहले ट्रेस करवाती हूँ. ट्रेस करवाने के बाद, बड़े साइज में ट्रेस करवाने के बाद बारी आती है बुक में लिखने की. बट एज अ 3.5 ईयर ओल्ड वो भी बहुत टेंट्रम्स थ्रो करती है, वो बुक में नहीं लिखती. और क्योंकि मुझे प्रीवियस लेटर्स भी रिवाइज करना होता है और उसकी पेंसिल स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करना होता है, पेंसिल कंट्रोल बराबर करना होता है, तो मैं कुछ एक्टिविटीज करवाती हूँ सो दैट वो लेटर इस बुक में लिखने के लिए राजी हो, या फिर आपके पास जो बुक है उसमें लिखने के लिए बच्चे राजी हो. कुछ कलरफुल एक्टिविटीज उनको कराइए. एक्टिविटीज शुड बी रिलेटेड टू द लेटर विच यू आर टीचिंग एंड टू रिवाइज द लेटर्स जो उन्होंने प्रीवियसली सीखा है. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरी बेटी की बुक है. यहाँ पे हम लेटर्स पहले बिग साइज में ट्रेस करना सीखते हैं. इसके बाद इसी लेटर के रिलेटेड मैं एक्टिविटीज करवाती हूँ. यहाँ पे जी के आप देख सकते हैं, पहले कलरिंग है कैपिटल जी एंड स्मॉल जी. दोबारा मैंने हाफ स्पेस फ्री छोड़ा है सो दैट वो स्क्रिबल करे या लिखे. उसने यहाँ पे कुछ किया नहीं है क्योंकि शी वॉज इंटरेस्टेड इन दिस एक्टिविटी फर्स्ट. यहाँ पे कैपिटल जी को पिंक उसको इस तरह से कलर करना है, कट करना है, देन जी को ब्लू से, स्मॉल जी को ब्लू से. तो यहाँ पे जब कलर्स इंक्लूडेड होते हैं ना तो बच्चे बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं, मान जाते हैं करने के लिए. यहाँ पे देखिए मिरर प्रॉब्लम अक्सर बच्चों में होती है तो इस तरह की एक्टिविटी आप इंक्लूड करिए.
आप प्रीवियस लेटर्स को रिवाइज करवाइए, जहां पे आप कैपिटल दीजिए स्मॉल लिखने के लिए कहिए, या फिर स्मॉल दीजिए और कैपिटल लिखने के लिए कहिए। मैचिंग आप करवा सकते हैं सो दैट वो प्रॉपर रिकॉग्नाइज कर पाए, क्योंकि वो कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स दोनों एक साथ सीख रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट है एक सिंपल सी कलरिंग एक्टिविटी, क्योंकि जी फॉर ग्रेप्स होता है, मैंने ग्रेप्स यहाँ पे ड्रॉ की है और मेरी बेटी ने इस तरह से ग्रेप्स ड्रॉ किया है। शी इज जस्ट 3.5 ईयर्स ओल्ड, तो मैं ज्यादा कुछ उससे एक्सपेक्ट नहीं करती, बट लिखना वो सीख रही है ऑफकोर्स। सो इस तरह से जी रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज करवाइए, प्रीवियस लेटर्स को रिकॉग्नाइज और पहचानने के लिए भी एक्टिविटीज करवाइए। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी बेटी मेरे गोद में ही बैठ के लिखती है, वो टेबल प्रिफर नहीं करती। उसके अलावा अगर मैं उसको अकेला छोड़ दूंगी तो वो पेंसिल फेंक देती है, बुक फाड़ देती है, क्रेयॉन तोड़ देती है, तो मुझे उसके साथ बैठना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स के ये भी कमेंट्स आते हैं कि क्या हमें स्मॉल लेटर्स कैपिटल के बाद सिखानी है, या फिर क्या हमें ईजी लेटर्स पहले सिखाना है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपको कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स दोनों एक साथ सिखाना है, इससे कम टाइम में बच्चे सीखेंगे। उसके अलावा बच्चे कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स को रिलेट कर पाएंगे, जैसे कि कैपिटल ई कैसे दिखता है और साथ ही स्मॉल ई कैसे दिखता है। अगर आप अलग अलग सिखाएंगे तो उनके लिए टफ होगा याद रखना। मैं इस तरह की ट्रेसिंग में क्रेयॉन्स अलाउ नहीं करती, कलर पेंसिल्स आर गुड, क्योंकि अभी मैं मेरी बेटी के पेंसिल कंट्रोल पे और पेंसिल होल्डिंग पे भी वर्क कर रही हूँ, तो कलरिंग करने के लिए दूसरे बुक्स अवेलेबल है उसके पास, कलरिंग बुक्स। और यहाँ पे कलर पेंसिल्स रेगुलर पेंसिल से वो मना करती है, तो मैंने उसके लिए कलर पेंसिल्स लेके रखी है, कलर पेंसिल से वो करती है। इवन एक्टिविटीज़ भी मैं उसको कलर पेंसिल से ही करवाती हूँ, जहाँ पे उसको कुछ कलरिंग रिक्वायर्ड होती है या मैचिंग रिक्वायर्ड होती है या कैपिटल टू स्मॉल या स्मॉल टू कैपिटल उसको लिखना होता है, तो यहाँ पे मैं उसको कलर पेंसिल्स यूज़ करने के लिए देती हूँ। सो सुबह जो भी लेटर मुझे सिखाना है, मैं इस तरह बिग साइज में उसको ट्रेस करवाती हूँ, फिर या कोई राइम या कोई स्टोरी बुक वो पढ़ती है या वो खेलने चल जाती है। उसके बाद दोपहर में इस बुक में लिखाने से पहले मैं उसको कलरिंग एक्टिविटी देती हूँ इस तरह की, सो दैट उसकी नींद भाग जाए, क्योंकि वो अक्सर कहती है मम्मा मुझे नींद आ रही है। जब भी लिखने की बात आती है बच्चे यही कहते हैं मुझे नींद आ रही है, मुझे खेलना है या फिर मुझे कलरिंग करना है, तो कलरिंग से उसका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है। उसके बाद उसको 2 से 3 लाइन बुक में लिखना होता है। ये सी यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटीज है रिलेटेड टू डी, लेटर आइडेंटिफाई करना, सर्कल करना, कलरिंग करना, मैच करना, ये सारी सिंपल सी एक्टिविटीज है जो आप उनको करने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से आप बुक मेंटेन करिए, वन फॉर एक्टिविटी एंड अनदर फॉर राइटिंग लेटर्स इन फोर रूलर बुक। तो इस तरह से आप बड़े साइज में फॉन्ट ट्रेस करवाइए, फिर उनका इंटरेस्ट बनाने के लिए कुछ एक्टिविटीज जरूर इंक्लूड करिए, फिर आप उनको बुक में लिखने के लिए कहिए। इसके अलावा बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिले या फिर इवनिंग जब वो बुक में लिख ले, आप फोनिक्स भी जरूर रिवाइज करिए। मेरी बेटी को A to Z फोनिक्स आती है तो वो पढ़ लेती है, सो कैपिटल लेटर ए, स्मॉल लेटर ए, एह एप्पल, एह एक्स, इस तरह से वो पढ़ती है। जरूरी नहीं वो A to Z पढ़े, नहीं पढ़ती वो A to एफ जी एच कुछ लेटर्स पढ़ती है, फिर भाग जाती है, उठकर भाग जाती है। फिर उसके बाद कभी कभार वो बीच से स्टार्ट करती है, अगर उसको J से पढ़ना है तो वो J से ही पढ़ती है। तो एज अ 3.5 ईयर ओल्ड, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बच्चे टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, हम ज्यादा उनको फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि उसको फोनिक्स आती है। अभी मेरा फोकस ज्यादा उसको लिखना सिखाने के ऊपर है, तो इसी तरह से मैं उसको लिखना सिखाती हूँ।